चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो जल्दी से और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू कराची फूडीज। और आज हम मौजूद हैं एक बार फिर से बंस रोड पे। और इनका नाम है मोहम्मद अमीन, मेरा नाम है अब्दुल समद नूरानी। यार नाम पहचान के समझ, भाई बार बार बताएंगे कि हम नहीं बताना चाहिए ना यार, जो नए सब्सक्राइबर हैं उनके लिए बता रहा हूँ। चलिए जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीन है और मेरे साथ आज मौजूद हैं अब्दुल समद नूरानी। अब्दुल समद नूरानी भाई, तो हम लोगों ने बंस रोड पे लास्ट जो ट्राई किया था वो मटका फ्राइज ट्राई किया था। उसके बाद हम एक स्पेशल प्राइस है, प्राइस की बहुत बड़ी रेंज है भाई यहाँ पे तो, और प्राइस बर्गर ये आपने कहीं पे भी नहीं खाया होगा। जो बात है, समझ रहे आपने खाया कहीं? नहीं यार, मैंने अभी तक नहीं खाया, लेकिन यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे तो देखेंगे क्या उसका टेस्ट है और कैसा। अच्छा, प्राइस बर्गर तो है और उसके अंदर वो इतनी सारी चीज़ें डाल रहे हैं और उस चीज़ों के डालने के बाद फिर वो प्राइस बर्गर का रेट बहुत कम है, रेट बहुत अच्छा है यार। वो बात भाई, कैसे कैसे है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन भाई, क्या करते हैं आप? मैं फूड सेंटर में जॉब करता हूँ। अच्छा, एक दफा बोल देना कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो। हाँ, कराची फूड फूडीज को कराची फूड इसको सब्सक्राइब करो। चलें जी, क्या नाम था? मोहम्मद यासीन। यासीन भाई ने भी बोल दिया, ठीक है जी यासीन भाई, थैंक यू। हाँ भाई, तुम भी बोल दो। वालेकुम अस्सलाम। कराची फूडीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें प्लीज भाई। एक निब्बा मिला बोला कराची फूडीज को सब्सक्राइब करें तो जरूर सब्सक्राइब करना। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है? मुबशिर भाई, मुबशिर भाई की बात माननी है और सब्सक्राइब करना है मुबशिर भाई के जितने भी दोस्त हैं। सही है भाई, चलो जी मुबशिर, थैंक यू। तो भैया इनका क्या प्रोसेस है, कैसे बर्गर बनाते हैं अमीन भाई? खा के भी बताते हैं और दिखाते भी हैं आपको। हाँ। तो आ जाइए। पिज्जा फ्राइज वगैरह भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ के जो अभी हमने जितना लोगों का रिव्यू मिला है सब लोगों ने बहुत तारीफ़ की है। भाई का अखलाक की बहुत तारीफ़ की है कि भाई का अखलाक बहुत अच्छा है। और उसके अलावा बर्गर खा के भी बताते हैं आपको कि बर्गर कैसा है। फ्राइज बर्गर नाम पूरा लो यार। चलिए जी, फ्राइज बर्गर और बाकी सारी चीज़ें दिखाते हैं इनकी। अब क्या बना रहे सर? अब मैं बना रहा हूँ फ्राइज बर्गर। फ्राइज बर्गर, हाँ स्पेशल फ्राइज बर्गर। यार ये तो कहीं नहीं सुना मैंने, फ्राइज बर्गर। ये हमारे यहाँ की स्पेशलिटी है, थोड़ा सा ना कम अमाउंट के अंदर फुल जिंगर बर्गर वाला टेस्ट। जबरदस्त यार, जिंगर बर्गर वाला टेस्ट। यस। कितने का ये? ये 70 का है। नहीं करो यार। यस। ये फ्राइज आ गए, इसके मसाले आ गए ऊपर। सही है, ठीक है। ये इसके ऊपर इसके फ्लेवर्स आ गए, ठीक है। ये थोड़ा ग्रीन रेड फ्लैक्स आ गए। वालेकुम सलाम भाई, खैरियत से? ये ग्रीन चिल्ली फ्लेवर आ गए। सही है, सही जबरदस्त। ये पिज़्ज़ा फ्लेवर आ गया और ये ब्लैक पेपर फ्लेवर आ गया। उसके बाद अब इसके सॉसेस शुरू होंगे। ये आ गई केचप, ये डिप सॉस आ गई इसकी। ये होममेड है डिप सॉस, खुद हमारी अपनी घर की बनाई है। ये रेड चिल्ली गार्लिक आ गई और ये हरी सॉस ग्रीन चिल्ली। सही है, ग्रीन चटनी है ये हमारी अपने घर की, ये भी अपनी बनाई हुई है स्पेशलिटी। ये मेरी वालदा की हाथ की है। और इसके ऊपर हमने डाले कॉल सलाद, इससे जो है ना टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है कि लगता है कोई बर्गर खा रहे हैं। इसके ऊपर हम बारबेक्यू सॉस, जो बारबेक्यू बोटी है मतलब कि दिल करता है ना उसका, कमी पूरी पेशी हो जाएगी। सही। के बाद हमने डाली इसके अंदर चिकन। 70 रुपए में इतना कुछ, बहुत कुछ। फिर उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी चीज़, क्योंकि हम अपने कस्टमर को हेल्दी देखना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि हेल्दी होगा तो बनेगा हमारा पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। हर किसी की दुआ लेना चाहिए, दुआ से जिंदगी बनती है। ये इसके कर दिया 2 पीस। उसके बाद हमने इसको ओवन में इसको मेक करेंगे थोड़ा सा गरम, ताकि इसकी चीज़ हो जाए मेल्ट। इसको ओवन में रखेंगे ताकि ये अच्छे से गरम होके मेल्ट हो जाए इसकी चीज़, और खाने का एक टेस्ट अलग ही आएगा फिर।
सही है, ज़बरदस्त। अब क्या बना रहे हैं आप? अब हम बना रहे हैं अपने स्पेशल फ्राइज, जो हमारी इस गली की स्पेशलिटी हमारे स्टॉल की है, स्पेशल फ्राइज। ये हमने गरम फ्राइज निकाली, सही अभी बना रहे हैं। ओके भाई, ये हमने इसके ऊपर डाला मसाला, चाट मसाला। ये इसके ऊपर आ गई सॉस, केचप। ये डिप सॉस आ गई इसकी, गार्लिक केचप। ये हरी सॉस चटनी, इसके ऊपर कॉल सलाद। ये रेड चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिल्ली फ्लेवर, ब्लैक पेपर फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर आ गया, चटपटा आ गया, ये अचारी आ गया, चीज़ फ्लेवर आ गया। यानी रेंज बहुत बड़ी है, कस्टमर को यहाँ आते हैं खुश करके बेचते हैं, क्योंकि फ्लेवर की यहाँ पर बिल्कुल ऐसे ही है, फ्लेवर से फुल हो गया, फ्लेवर फुल हो गया। अब इसके साथ हम थोड़े से इसकी सॉस डाल देंगे, बारबेक्यू सॉस। तो डेली नया लाना पड़ता हो अब तो? यहाँ पास ये रोज की है। ये रेडी हो गया? रेडी हो गया है। ये अब हमारे कस्टमर हैं, इनके आगे चिकू। फर्स्ट टाइम आगे ट्राई किया था, जब भी सेकंड टाइम भी आया। अच्छा, अच्छे लगे थे? चलें जी, अच्छे। क्या क्या खाया यहाँ पे आपने? बर्गर खाया, बर्गर कैसा लगा आपको? बोलेगा मैक में, बोलेगा अच्छा था। एक दफा बोलो कराची फूडीज को सब्सक्राइब करो। अरे वाह भाई, ये फ्राइज तो अच्छे होते हैं, मगर लोग ज्यादातर यहाँ पे इसलिए आते हैं, फ्राइज तो है ही है, मगर इनका नेचर भी बहुत अच्छा है, अखलाक बहुत अच्छा है भाई का। थैंक यू। आप देख सकते हैं नाज़रीन, भाई का हाथ भी कैसा चल रहा है। नाम एहसन है, पूरा नाम एहसन बदर। एहसन बदर, एहसन बदर भाई, टाइमिंग क्या है आपकी? मेरी है टाइमिंग है 5 बजे, 4 बजे से लेकर रात 12-1 बजे तक होता हूँ मैं। ये आपको मिलेगा कराची एलिम बंस रोड पे, कराची एलिम फैमिली हॉल वाली गली में कॉर्नर पे। कॉर्नर पे, ठीक है जी, ज़बरदस्त। गोल्डन फ्राइज़ के नाम से हमारा स्टॉल है। आप मिलेंगे हर टाइम, अवेलेबल होंगे हर टाइम? जी जी, मैं ही मिलूंगा, मैं ही यहाँ पर होता हूँ। और कोई नहीं होता आपके साथ? नहीं, मेरे साथ ही मेरा लड़का होता है अली। अली भाई हाथ दिला दे ज़रा, मैं वैसे ही हिला रहा हूँ। ये लो कॉकटेल फ्राइज़। में सबसे पहले हमने इसके अंदर बना रहे हो, दोबारा बताना। कॉकटेल फ्राइज़, कॉकटेल फ्राइज़ बोले तो सारे सॉसेस वगैरह सब इसके अंदर ऐड करेंगे, चीज़ वगैरह जितने भी हमारी दुकान में सॉसेस, फ्लेवर, चिकन वगैरह सब हैं, सब इसके अंदर मिक्स कर देंगे, कॉकटेल फ्राइज़ हो जाएगा। अच्छा भाई, काम का आइडिया कैसे आया आपको ये बताओ पहले? भाई ये शौक में लगाया था मैंने, छोटा सा था। अच्छा, शौक में लगाने के बाद बस ये मेरा प्रोफेशनल बन गया अभी तो फिलहाल। कितने टाइम से कर रहे हैं आप ये? 9 साल हो गए। 9 साल से कर रहे हैं जी भैया। ये आईडिया किसने दिया आपको इतने सारे? आईडिया बस ये अपडेट, जैसे जैसा माहौल अपडेट होता रहता है, मैं बस यही होता है कि अब अपने कस्टमर को अच्छा से अच्छा खिलाऊं, हर एक चीज़ ला के दूँ जो मार्केट में अवेलेबल है, वो मेरे स्टॉल पे उनको मिले, कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक हो गया जी। एहसन भाई मुझे एक चीज़ बताइए। जी भैया, अब आपने जो मेकिंग की है जी, तकरीबन मेकिंग एक तरह की लग रही है, तो इसमें डिफरेंट कैसे आता है? डिफरेंट टेस्ट है इसके अंदर, क्योंकि हाँ, क्योंकि फ्लेवर वगैरह और मसाले अलग अलग डाल, अलग अलग है सब, सही है। लग रहा है एक जैसा रहा है, लेकिन इसके कंट्रास्ट बना के जो डाल लो ना, उससे खाने में हर बाइट में एक अलग टेस्ट आएगा। ठीक हो गया, अभी देखिए ये रेडी हो गया। ये रेडी हो गया, तो इस चीज़ को जो है वो ओवन में नहीं रखेंगे हम? ये ओवन में रखा जाएगा। रखेंगे अभी आप? हाँ, चलें जी, सही है, ज़बरदस्त। एक सेकंड, के रेट का है, जिसको प्लेन चाहिए, हल्की सॉसेस वगैरह, ज़्यादा सॉस वगैरह नहीं, उसके लिए भी अवेलेबल है, कम रेट के अंदर दस्तियाब है। ये सॉसेस आ गई, सही है, इसके अंदर जी, सही है, ये हो गया। हल्के से फ्लेवर डालेंगे, लाइट लाइट बच्चों के लिए, कोई ज़्यादा हार्डली फ्लेवर नहीं करें, ताकि बच्चों को कोई नुकसान हो, ठीक है।
हल्का हल्का, ये प्लेन हो गया। इसको हम दो पीस कर देंगे ताकि हमारे बच्चे आराम से इजली खाएं। अरसलान, इनके फ्राइज बहुत अच्छे होते हैं और आप लोग भी आएँ और ट्राई करें। नहीं नहीं, और भी बहुत अच्छे होते हैं और फ्लेवर से इनके बहुत अच्छे होते हैं। कब से खा रहे हो आप? मैं 2 साल हो गए, 2 ईयर्स जी। नहीं नहीं, खाता हूँ। 7 जी। कराऊंगा। कराची फूडीज। गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो जल्दी से, और बेल आइकन प्रेस कर दो ताकि हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। अरसलान, क्या पेज का नाम बताया उन्होंने? अल्लाह फेस। पेज का नाम? ये जी पिज़्ज़ा फ्राइज जो है रेडी होके बाहर आ गया और खुशबू भी अच्छी आ रही है और देखने में बहुत बेहतरीन लग रहा है। एहसन भाई, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये बताऊंगा कि भाई आप लोग भी आएँ, लाजमी इसको ट्राई करें। किसी चीज़ की आपको कोई कमी पेशी नहीं होगी, चीज़ की क्वांटिटी भी आपको अच्छी से मिलेगी और हर चीज़ का आपको इसके अंदर मज़ा आएगा। चलें जी, ये हाथों से तो बना है पर इसको एहसन भाई अपने दिल से भी बनाया है। बिल्कुल। चलें जी एहसन भाई, दे देंगे इसको, देना है। वेलकम बैक गाइज। तो हमारे पास बर्गर जो है, पिज़्ज़ा फ्राइज़ बर्गर जो है हमारे पास तैयार होकर आ गया और पिज़्ज़ा फ्राइज़ हमारे पास तैयार होकर आ गया। अली भाई, सबसे पहले आप ट्राई करेंगे क्योंकि आप बुज़ुर्ग हैं हमारे, गैदरिंग के भी बुज़ुर्ग हैं हमारे आप, तो सबसे पहले आप ट्राई करके बताएं। कोई मसला नहीं सर, हम ट्राई करके बता देते हैं। ट्राई तो आपको ही पहले करना पड़ेगा सर। ये वैसे तो हमने दूसरे भी फ्राइज़ ट्राई करे थे। पिज़्ज़ा फ्राइज़ आपने बहुत खाए हैं मुझे पता है। अच्छा, आप इसका ट्राई करके बताएं कैसा लगा आपको। गर्म है, टेस्ट इसका भी बहुत अच्छा है। लास्ट वन से मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगा। अब आप खा के बताएं। ये सिंपल फ्राइज मैंने खाया है, ये भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसके जो लवाजमात हैं उसके साथ खा के बताता हूँ आपको। लवाजमात के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आ रही है। पिज़्ज़ा फ्राइज भी बहुत अच्छा है इस रेट में। आई लाइक इट। ऐसा पिज़्ज़ा फ्राइज आपको नहीं मिलने वाला, आपको लाजमी आके ट्राई करना है। बंस रोड पे कराची हलीम वाली गली में लाजमी आके ट्राई करना है। और जो इनकी स्पेशलिटी है वो है फ्राइज़ बर्गर, वो भी आपको ट्राई करके बताता हूँ। इस फ्राइज़ बर्गर में जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि इन्होंने चिकन, चीज़ और जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनके जितने भी आइटम्स हैं सब कुछ डाला था। तो आपको पिज़्ज़ा सॉरी यार, ये पिज़्ज़ा बार बार मुँह पर चढ़ गया। सुना तो पहले ये भी बुज़ुर्गों से ट्राई कराना चाहिए यार, कभी कभी इज्जत करते हैं हम। आप सोचते रहे। नो डाउट इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। हमने थोड़ा सा लेट कर दिया खाने में, थोड़ा सा ठंडा हुआ है, पर ये टेस्ट बहुत अच्छा है। और इसके साथ जो इन्होंने अलग से जो एक ये दिया है, क्या बोलते हैं इसको, कॉन्सेप्ट दिया है, ब्लैक पेपर भी ऐड करके दिया है, ये भी आपको इसके साथ ट्राई करके बताते हैं। जबरदस्त यार, इस रेट में आपको ये चीज़ नहीं मिलने वाली। मैं आपको बोल रहा हूँ आपको लाजमी आके ट्राई करना है। क्वालिटी फूड है यार, क्वालिटी फूड है, इस रेट में नहीं मिलेगा आप। अरे भाई, बर्गर का रिव्यू कौन देगा? बर्गर मैंने खाया, मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे याद ही नहीं, मुझे रिव्यू देना है। आप लोग भी आके ट्राई करें। बर्गर की यार मैं भूल गया, ओपीटी भी भूल गया है। आए हाँ, ज़्यादा तो नहीं हुआ ना। नहीं, बर्गर वाकई अच्छा है और फ्राइज भी बहुत अच्छे हैं। आप लोगों को लाजमी आके ट्राई करना है, इस रेट में आपको नहीं मिलने वाला ऐसा। और एड्रेस आप लोगों को मैंने गाइड कर दिया है, एहसन भाई से आप आगे मिलेंगे। एहसन भाई बहुत अच्छे इखलाक के मालिक हैं, इससे मुलाकात करके भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। अच्छा, इनके स्टॉल का नाम भी बहुत यूनिक सा है, गोल्डन फ्राइज। गोल्डन फ्राइज है और बिल्कुल गोल्डन फ्राइज ही देखने को मिले। और ये खुद भी गोल्डन मैन है यार। और ये खुद भी गोल्डन मैन है। और आप लोगों को एड्रेस भी यहाँ का गाइड कर दिया है। तो कराची फूडीज को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, जितनी भी चीज़ें सब पे सपोर्ट करते रहिए। स्पेशली यूट्यूब पे सपोर्ट करना है आपको। और
बस हो गया, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।